देखिए, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एंजाइम्स की ऑक्यूरेंस के बारे में जो आइडिया दिया था वो दिया था मिस्टर किरचॉफ ने। तो किरचॉफ गिव द आइडिया ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एंजाइम्स। बस उन्होंने एंजाइम्स की ऑक्यूरेंस के बारे में बताया था। और आपने नाम सुना होगा बच्चों, लुईस पाश्चर का, है ना, पाश्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, लुईस पाश्चर के बारे में पढ़ा होगा। तो लुईस पाश्चर वो शख्स थे, वो पर्सन थे जिन्होंने बोला था, देखो फर्मेंटेशन जो होता है वो यीस्ट के द्वारा होता है, पता है आप लोगों को, और ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया था, कुछ बातें थी कि हाँ भैया यीस्ट में से कोई ना कोई चीज रिलीज होती है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बुचनर, और बुचनर ने बेसिकली क्या किया था, ही आइसोलेटेड केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द ईस्ट, ही आइसोलेटेड अ केमिकल सब्सटेंस, इन्होंने केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया था किसमें से, फ्रॉम यीस्ट, यीस्ट में से, ठीक है जी। और उसी को नाम दिया था यहाँ पर सबसे पहले जाइमेंस का। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था जो सबसे पहला आइसोलेटेड एंजाइम था उसका नाम जाइमेंस है। और उसके बाद में जो टर्म एंजाइम है, टर्म बाय कोहेन, कोहेन ने जो है ये टर्म इजाद करी थी जिसको एंजाइम्स बोला गया था। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जेन समनर। मैंने पिछली क्लास में भी आपको इनके बारे में कुछ बात बताई थी, बता सकते हैं, जेन समनर। इन्होंने क्या किया था बेसिकली, इन्होंने देखिए यूरियाज की स्टडी से पता चला था कि एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और इन्होंने ही आइसोलेट किया था यूरियाज एंजाइम, इन्होंने यूरियाज एंजाइम आइसोलेट किया था। जैसे पहली बात तो ये बात बोली गई थी कि ये लिविंग के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इन्होंने, लेकिन हम लोगों ने देखा यूरियाज एंजाइम को आइसोलेट किया था इन अ क्रिस्टलाइट फॉर्म, इन क्रिस्टलाइज फॉर्म में इन्होंने इसको क्या किया था बच्चों, आइसोलेट किया था, वो भी बिल्कुल प्योर, ठीक है जी। तो यूरियाज की स्टडी से पता चला जब यूरियाज आइसोलेट हुआ कि भैया एंजाइम जो होते हैं वो और कुछ नहीं होते, एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन ही होते, ठीक है। चलिए उसके बाद में कैच एंड ऑल्टमैन, ऑल्टमैन का नाम आप आगे भी बायोलॉजी में सुनेंगे। बेसिकली ऑल्टमैन ही वो शख्स थे जिन्होंने बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको पहले न्यूक्लीन बोला गया था, लेकिन इन्होंने ही बताया था कि इसका नेचर एसिडिक होता है, तो इन्होंने नाम दिया था फिर बाद में उसको न्यूक्लिक एसिड का। तो दो ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो कैच और ऑल्टमैन ने यहाँ पर जो है बताया था किसके बारे में बच्चों, राइबोजाइम के बारे में। और राइबोजाइम हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है एंड इट इज मेड अप ऑफ आरएनए, होता है एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बना होता है। तो नॉर्मली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कैच और ऑल्टमैन ने राइबोजाइम के बारे में बताया कि एंजाइम आरएनए से बना होता है। राइबोजाइम इज अ आरएनए मॉलिक्यूल जो नेचर में बेसिकली एंजाइमेटिक होता है, और मैं आपको बताऊं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, वो इसी एंजाइम की वजह से अटैच होते हैं। ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सेल में भी मैंने आप लोगों को बताया था। देन उसके बाद दो बायोलॉजिस्ट और है जिनका नाम था आर्बर एंड नेथन, आर्बर एंड नेथन। तो आर्बर एंड नेथन्स के बारे में बात करते हैं, जब आर्बर नेथन्स के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली डिस्कवरी करी थी बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया था, और इनको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं,
डीएनए को कट करने में यूज होते हैं। डीएनए को कहीं पर भी किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स बच्चों, ठीक है। अगर हमें डीएनए कट करना है, ऐसा नहीं कैंसिल या डीएनए को कट कर देंगे, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, तो स्पेसिफिक लोकेशन से ही कट करने में हेल्प करते हैं। चलिए, नाउ एंजाइम्स आर प्रोटीन, वी नो दैट वेरी वेल, बट एंजाइम्स आर ऑल्सो बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, एंड ये प्रोटीनिशियस बायो रेगुलेटर्स भी होते हैं, ठीक है। किस तरीके के प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स? बेसिकली दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन विच आर फाउंड इन सेल, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो भी कोलोइडल फॉर्म में, ठीक। एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर कैटालाइज करने की, बच्चे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करती है, और बायोलॉजिकल ओरिजिन विदाउट देमसेल्स अंडरगोइंग एनी चेंज, उसमें खुद में कोई चेंज नहीं होता लेकिन किसी भी रिएक्शन के लिए वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। एन एंजाइम में बी डिफाइंड एज अ प्रोटीन, हम कह सकते हैं एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है दैट इनहेंस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करती है, इनहेंस करती है, बट डज नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के नेचर को यहाँ पर वो चेंज नहीं करती कि हमने वो यूज कर दिया तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, बनेगा वही। ऐसा नहीं है कि आप छोले की सब्जी बना ले और उसमें गर्म मसाला डाल दिया आपने तो कुछ और बन जाएंगे, बनेंगे छोले लेकिन गर्म मसाले का टेस्ट आ जाए, ठीक है, वो उसके स्वाद को बढ़ा देगा। यहाँ पर एंजाइम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे, वो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम एंजाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, 70% इन द सेल आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, हम देखते हैं कि 70% जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। एंड द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज टर्म्ड एज द एंजाइमोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एंजाइमोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइमोलॉजी। तो बेसिकली एंजाइम्स हमने देखा क्या है, बायो कैटलिस्ट है, इसका मतलब तो ये बायो कैटलिस्ट है ना, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं बच्चों, बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को यहाँ पर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, राइबोसोम मैंने बताया, न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, अच्छा। फिर उसके अलावा इनके अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, इनकी हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, और इनके अंदर ना एक एक्टिव साइट होती है बच्चों। एंजाइम्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हैव एक्टिव साइट, जहां पर आपका ये क्या करेंगे बच्चों, जहां पर ये आपका काम करते हैं। तो एंजाइम्स हैव एन एक्टिव साइट एंड इट इज टर्म्ड एज पॉकेट और क्रेवाइस, ठीक है जी, इसी को हम पॉकेट या क्रेवाइस बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है बेसिकली वो फिट हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट हमारा फिट हो जाता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर ये एंजाइम है, ठीक, तो आप देखेंगे जिनके अंदर खांचे बने हुए हैं, इसी को हम पॉकेट बोलते हैं, क्रेवाइस बोलते हैं, और ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, दिस इज द सबस्ट्रेट। तो आप देखेंगे कि ये जो सबस्ट्रेट होता है वो इसके अंदर यहाँ पर पूरे तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स हो जाएगा। तो यानी कि एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, इस तरह की पॉकेट्स होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, तो यही वाली बेसिकली हमारी एक्टिव साइट है, दीज आर द एक्टिव साइट, जहां पर क्रेवाइस है, जहां पर सबस्ट्रेट फिट होता है हमारे पास, और ये प्री डिटरमाइंड शेप होती है, उसी बेसिस पे एंजाइम जो होता है आपका काम करता है। एंजाइम के बारे में एक बात और भी है कि एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, एंजाइम्स डैमेज एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर आपके डैमेज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से, जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, सीरिसिया कोलाई है। एंजाइम्स एक्सेलरेट द रिएक्शन मैनी फोल्ड्स, कई गुना बढ़ा देते हैं, एंड एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इसी वजह से इनको यूज किया जाता है,
केमिकल्स ऑन विच द एंजाइम एक्ट आर टर्म्ड एज सब्सट्रेट, जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं वही हमारे यहाँ पर सब्सट्रेट कहलाते हैं। एंजाइम करते क्या है, ये सब्सट्रेट को इसके साथ एक्शन परफॉर्म करके इसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट में, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर बच्चे, इसको कन्वर्ट कर देंगे वो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर, हमारे पास यहाँ पर हमारे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। Then we get the desired product, हमारे को यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एंजाइम्स के नोमनक्लेचर के बारे में। अब हम यहाँ पर एंजाइम्स के नोमनक्लेचर के बारे में बात करते हैं बच्चों। चलिए हम बात करते हैं अब एंजाइम्स के नोमनक्लेचर के बारे में। तो कई तरीके से यहाँ पर नोमनक्लेचर होते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राइबल नेम्स यूज करते हैं। ट्राइबल नेम्स का मतलब यूज क्या होता है कि इसमें हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, वो भी कौन सा, इन सफिक्स प्रीफिक्स पढ़े होंगे आप लोगों ने इंग्लिश में, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है जी, ब्रोमेलिन, एक एंजाइम और बता दो आपको, पापाइन, पापाइन बच्चा आउट, यही होता है, पापा इस कमरे में हम उस कमरे में। तो ये पापाइन कहां से आते हैं, पापाया से आते हैं, ठीक है, पापाया से एंजाइम डिराइव किया गया था। और ब्रोमेलिन जो है ये पाइन एप्पल से, बाकी ट्रिप्सिन और पेप्सिन तो आपको पता ही होगा ह्यूमन बीइंग में से, पैनक्रियाज में से, थक में से। चलिए जी, तो बेस्ड ऑन द सोर्स कि कहां से ऑप्टेन गए हैं, ऑप्टेन किए गए हैं, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट और ऑप्टेन, उस बेसिस पे इनके नाम और उसमें हमने सफिक्स इन यहां पर अटैच कर दिया बच्चे, ठीक है। ये बेसिकली सेल्स के हिसाब से नाम रखे हुए हैं, ये हमने कहां से ऑब्टेन करे उस हिसाब से। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एंजाइम्स कई बार जो है किस तरीके से होते हैं, इसमें भी सफिक्स यूज करेंगे लेकिन इसमें सफिक्स यूज करेंगे एज, इनके बारे में बताया था ड्यूकलॉक्स ने, ठीक है, ड्यूकलॉक्स ने बताया था कि इसमें हम लोग सफिक्स ए यूज करेंगे। ये बहुत इजी आप लोगों ने सुने होंगे बच्चों, जैसे कि माल्टोज है, उसको इंगल्फ करने के लिए माल्टेज, ठीक है ना, लिपिड के लिए लाइपेज, तो यहां पर हम सफिक्स ए यूज कर रहे हैं। लैक्टोज के लिए लैक्टेज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी, सक्रोज के लिए सक्रेज, ये सब बातें होती। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि नेम ऑफ सबस्टेट, नेम ऑफ सबस्टेट के हिसाब से भी एंजाइम के नाम होते हैं, ठीक है। चौथा टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से भी नोमनक्लेचर किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोक्सीलेज, कार्बोक्सीलेज, ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीलेज, कार्बोक्सीलेज एटसेट्रा, ठीक है जी। तो उस बेसिस पे भी यहां पर इनका नोमनक्लेचर किया जाता है हमारे पास यहां पर। अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ कुछ एंजाइम्स और भी होते हैं, जैसे यहां पर मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं। मान लो हमें डीएनए में कोई जीन है वो चेंज करना है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, तो हमें पहले जो खराब जीन है उसको हटाना पड़ेगा और फिर नया जीन वहां पे डालना पड़ेगा। तो वो कहां से कैसे होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से भी कैंची लेके खड़े हो गए, हाँ भाई ला आन दे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, इको आर वन, ठीक है जी, ये एक एंजाइम का नाम है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
अब ये नाम कैसे पड़ा, देखो ये कहां से आया है, ई का मतलब हो गया है एस्चेरिसिया, जो बैक्टीरिया का नाम होता है जीनस, और कोलाई का यानी कि इसका क्या हो गया जी हमारे पास यहाँ पर स्पीशीज, एक जीनस हो गया और एक स्पीशीज हो गया। आर होता है यहाँ पर स्ट्रेन, किस्म, नस्ल, और ये हो गया है मेरे पास नंबर ऑफ डिस्कवरी। तो इको आर वन है, इको आर टू भी है, इको आर थर्ड भी है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर होती है। तो फर्स्ट डिजिट क्लास ऑफ एंजाइम है, फिर सब क्लास है, कई बार सब सब क्लास होती है, फोर्थ डिजिट में डिफाइन सबसे टाइप एंड रिएक्शन टाइप भी होता है। हमारे पास एक सोसाइटी थी जिसका नाम है IUB, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और इन्होंने सिस्टम रेडी किया और एंजाइम्स को क्या किया बच्चों, नंबर दिया 4-digit सिस्टमेटिक कोड, है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। इसी को एंजाइम कमीशन नंबर भी बोला गया, ठीक है जी, इसी को एंजाइम कमीशन नंबर भी, 1:1:1:1। ये देखो ये क्या है, जीनस हो गया, ये स्पीशीज हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, ये डिस्कवरी हो गई, इस तरीके से। या फिर किसी किसी के अंदर क्या होता है जी, एंजाइम्स की क्लास होती है, फिर सब क्लास होती है, फिर सब सब क्लास होती है, फिर सबस्टेट के टाइप पर या रिएक्शन के टाइप पे भी नाम रखा जाता है, जैसे रूबिस को रेगुलर्स बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये भी एंजाइम है, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। तो एंजाइम की जब स्ट्रक्चर बताते हैं तो सबसे पहली चीज, जो एंजाइम होते हैं हमारे पास, दिस इज द एंजाइम, ठीक, ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट है मेरे पास बच्चों, दिस इज द सबस्ट्रेट, और एंजाइम के अंदर हम देखते हैं इस तरह की पॉकेट्स होती है जिनको क्रिवाइस बोला जाता है या पॉकेट्स बोला जाता है, एंड दीज आर द एक्टिव साइट, यही तो एक्टिव साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट जहां पर वो सबस्ट्रेट के साथ क्या होगा जी, हमारा अटैच होगा। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि एंजाइम का काम करने का जो मैकेनिज्म होता है, वो एक्शन होता है, वो किस तरीके से होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, नाउ मैकेनिज्म। देखिए जब मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली एंजाइम्स नाइदर इनिशिएट द रिएक्शन नोर चेंजेस द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, ना तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, ना ही वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करता है, दे जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन। ये करते क्या है, स्पीड अप द रिएक्शन, 10^7 to 10^20 सोचिए, इतने गुना ये किसी भी रिएक्शन को बढ़ा सके। एक नॉर्मल रेट से रिएक्शन हो रही है, लेकिन इतने 10^7 या 10^20 टाइम्स उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है। तो एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को यहां पर करके बच्चों कम, ठीक। देखिए जैसे हमारे पास ये हो गया एंजाइम प्लस में ये हो गया सबस्ट्रेट, देन फॉर्मेशन होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, और जब ऐसा होता है तो हम लोग यहां पर देखते हैं इट आल्सो लिबरेट एनर्जी, ये एनर्जी को भी लिबरेट करेगा, क्योंकि भाई जब ये दोनों मिले तो बहुत सारी एनर्जी तो बच गई, सेव हो गई ना, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट होगी, और वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट होती है कब, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर बाइंड होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। यही जो एनर्जी हमारे पास, यही तो बाइंडिंग एनर्जी है बेसिकली, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एनर्जी कहलाती है बस। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कैसे हुए,
जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई है। तो हमारे पास कुछ कुछ मैकेनिज्म है जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द लॉक एंड की, समझे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है लॉक एंड की थ्योरी, एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय एमिल फिशर। ठीक है जी, ये थ्योरी यहां पर प्रपोज करी थी बच्चों एमिल फिशर ने, और इसमें उन्होंने यही बताया कि मान लीजिए एंजाइम है, सब्सट्रेट है, दोनों मिक्स हो गए, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास, ठीक है जी। और उसके बनने के बाद क्या होता है, देखिए जस्ट इमेजिन कि ये मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर एंजाइम है, ठीक, और ये मेरे पास यहाँ पर सब्सट्रेट है। अब ये दोनों मिक्स होंगे, ठीक है जी। तो ये एंजाइम हो गया, ये सब्सट्रेट हो गया, एंड दिस इज द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये मेरा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है यहाँ पर। अब लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या चीज होगी बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये हमारे पास क्या होगा, जो एंजाइम होगा यहाँ से वो डिसोशिएट हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं, उसका काम था रिएक्शन को करवाना, रिएक्शन को इसने करवा दिया, जो डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होकर के मैं देखता हूँ कि एंजाइम तो मेरे पास यहाँ पर ये रहा, ठीक है जी, और ये जो है यहाँ पर क्या करेगा जी, ये प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पर जिस भी रिएक्शन के अंदर होगा। तो एज सच एंजाइम्स वी गेट, तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर एंजाइम्स ऐसे का ऐसा मिल जाता है, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी। एक थ्योरी और बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, दैट इज प्रपोज बाय कोसलैंड, और इसके बारे में नीट वाले टॉपिक के अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है, और वहां पर एंजाइम्स की क्लासेस के बारे में भी बता रखा है कि एंजाइम्स की कौन कौन सी क्लासेस होती है और कैसे होती है और किस तरीके से होती है।